आप सभी का। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुकमा के सटे सीमावर्ती इलाके में नक्सली और ग्रामीणों में झड़प हो गई है। जी हां, बड़ी खबर मिली है जिसमें ग्रामीणों ने एक नक्सली को पीट पीट कर मौत के घाट भी उतार दिया है। वहीं इसका दूसरा साथी भाग निकलने में कामयाब रहा। दरअसल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी के जनतराई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नक्सली गांव में हो रहे सड़क निर्माण का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान ग्रामीणों और नक्सली के बीच में झड़प हो गई और स्थानीय ग्रामीणों ने उस नक्सली की पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर मिल रही है जहां सड़क निर्माण का विरोध एक नक्सली द्वारा किया जा रहा था, जो उसे भारी पड़ गया क्योंकि स्थानीय लोगों ने उस नक्सली की पीट पीट कर उसे उसकी हत्या कर दी, उसे मौत के घाट उतार दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मलकानगिरी के जनतराई गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। उस नक्सली ने सड़क निर्माण जो कार्य चल रहा था उसका विरोध किया था, लिहाजा ग्रामीणों और नक्सली के बीच में झड़प हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि लोगों ने एकत्रित होकर, मतलब सभी जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, एकजुट हो गए और जमकर उस नक्सली की पिटाई कर दी। मारपीट इतनी ज्यादा हो गई कि मौके पर ही नक्सली की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक नक्सली की मौत का मामला सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज होता शिवा यादव फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवा, मौके पर कौन कौन पहुंचा है, क्या स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है मुआयना करने के लिए? जी, जैसे ही इस मामले का सामने आया वैसे ही तत्काल पुलिस भी रवाना हुई और मलकानगिरी का मामला बताया जा रहा है, जहाँ जनतराई गांव था, जहाँ नक्सलियों की टीम आई थी सड़क निर्माण का विरोध कर रही थी, जिसका ग्रामीणों ने सख्त विरोध किया, जिस पर ग्रामीणों के साथ हाथापाई हुई और बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान एक नक्सली की मौत भी हो गई, जबकि एक नक्सली घायल हुआ है जिसे पुलिस इलाज करवा रही है। जी जी, लेकिन कार्रवाई क्या की जा रही है पुलिस द्वारा, क्या लोगों पर FIR दर्ज हुआ है या कार्रवाई को लेकर के पुलिस क्या कह रही है? जी, अभी मामला दर्ज हुआ है हालांकि, लेकिन अभी पुलिस ने किसी को गिरफ्तारी नहीं किया है। जैसे ही ग्रामीणों के साथ नक्सलियों की झड़प की बात सामने आई तो पुलिस पहुंची और मौके पर जांच में जुट चुकी है कि आखिर ये ऐसा पूरा मामला क्या था कि नक्सली और ग्रामीणों के बीच में इस प्रकार खूनी संघर्ष हुआ और एक नक्सली की मौत हुई, जांच जारी है। जी शिवा, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस नक्सली को मौत के घर उतारा गया है ग्रामीणों द्वारा, क्या वो समय समय पर इसके पहले भी हस्तक्षेप करता रहा है उस इलाके में या अपनी दादागिरी वहाँ पर दिखाता हो? आमतौर पर नक्सली हमेशा से ही किसी भी विकास कार्यों में, चाहे सड़क हो या कोई भी विकास कार्य, उसका विरोध करते हुए नजर आते रहे हैं। इसी तरह नक्सली के और साथी सहयोगी भी थे, नक्सलियों के एक साथी और थे जो कि जख्मी बताया जा रहा है, जिसका इलाज अभी पुलिस करा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवा, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। और अगली खबर आपको